हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेडटॉक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन टैबलेट और कैप्सूल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि प्रोजेस्टेरोन होता क्या है। दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल बॉडी हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में अहम भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि अंडाशय यानी कि ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। साधारण भाषा या सिंपल भाषा में यदि कहें तो यह गर्भाशय स्थापित करने और बनाए रखने में मदद करता है। यह तो बात हुई कि प्रोजेस्टेरोन होता क्या है, लेकिन जब महिला के शरीर में यह प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर रूप से मौजूद नहीं होता है, तब यह टैबलेट और कैप्सूल के रूप में डॉक्टर के निर्देशानुसार महिला मरीज को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। यदि बात करें प्रोजेस्टेरोन के टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन फॉर्म्स की, तो यह हमें मार्केट में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम से हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे जनरल डोज, यूज, प्रिकॉशन और इससे होने वाले कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि हम इसके कुछ कॉमन ब्रांड्स के बारे में बात करें, तो यह हमें मार्केट में एंडोजन 200, सस्टेन 200, लुपिजेस्ट 200 व नेचुरोजेस्ट 200 इत्यादि नाम से हमें देखने को मिलता है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन टैबलेट या कैप्सूल के यूजेस के बारे में। यूजेस में यदि हम बात करें तो यह महिलाओं में डॉक्टर्स की एडवाइस और देखरेख में इरेगुलर पीरियड यानी के मासिक धर्म समय से नहीं आ रहे हो या रुक गए हों। इसके साथ ही इस मेडिसिन यानी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट या कैप्सूल का उपयोग तब भी डॉक्टर द्वारा महिलाओं को करवाया जाता है जब महिलाओं में मेनोपोज की स्थिति से पहले पीरियड्स का रुक जाना यानी मेनोपोज महिलाओं में एक ऐसा समय होता है जब एक पार्टिकुलर समय पर पीरियड्स का आना बंद हो जाता है। अतः ऐसी कंडीशंस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही यह दवा मरीज को एडवाइज की जाती है या डॉक्टर्स द्वारा मरीज को प्रेस्क्राइब करी जाती है। इसके साथ ही कई बार इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर द्वारा फीमेल्स में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ सहायक दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अन्य यूजेस की यदि हम बात करें तो प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो उसको स्टेबल करने और मेंटेन रखने में भी इस दवा का उपयोग लिया जाता है। इसके साथ ही इसका उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान प्रीमैच्योर लेबर यानी बच्चे का जन्म सही समय यानी के 9 महीने के बाद ही हो, तब भी इसका उपयोग महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स द्वारा करवाया जाता है। इसी के साथ यदि अन्य यूजेस की हम बात करें तो जिन महिलाओं में मासिक धर्म का आना बंद हो गया हो, ऐसे में कई बार ओवरीज की प्रॉब्लम्स का होना जैसे कि ओवरीज का कैंसर या थिकनेस या लाइनिंग का होना या थिकनेस का ज़्यादा होना जैसी स्थिति में या कंडीशन में भी यह दवा डॉक्टर की एडवाइस पर महिला मरीज को प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे किसी भी मेडिसिन का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन टैबलेट या कैप्सूल के यूजेस के बाद हम बात करेंगे इसके जनरल डोजेस के बारे में। फ्रेंड्स, यदि बात करें जनरल डोजेस के बारे में, तो जनरल डोजेस में यह 10 से 15 दिन तक एक टैबलेट या कैप्सूल के रूप में लेने की सलाह डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की जाती है। इसके साथ ही इस दवा की डोज और स्ट्रेंथ यानी कि इसे कितने मिलीग्राम और कब और कितनी मात्रा में लेनी अनिवार्य है, यह सब महिला मरीज की डिजीज और डिजीज हिस्ट्री के साथ साथ प्रॉपर बॉडी एनालिसिस पर ही डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसी के साथ यदि वेजाइनल टैबलेट की बात करें तो दिन में 1 से 2 बार लगभग 70 दिनों तक इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर मरीज को उसकी स्थिति के अनुसार करवाया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन टैबलेट या कैप्सूल के दौरान कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशन में यदि हम सबसे पहले बात करें तो प्रेगनेंसी या किसी भी स्थिति में इस दवा का सेल्फ मेडिकेशन ना करें। साथ ही यदि कोई मरीज पहले से ही प्रोजेस्टेरोन टैबलेट या कैप्सूल के चलते इन्फेक्टेड या एलर्जिक रहा हो, तो इस संदर्भ में अपने डॉक्टर को इसके बारे में पहले ज़रूर अवगत करवाएं।
इसी के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद ड्राइविंग ना करें, क्योंकि यह डिजीनेस जैसी स्थिति को पैदा कर सकती है। बात करते हैं प्रीजेस्टेरोन टैबलेट या कैप्सूल से होने वाले कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि कई बार कुछ मरीजों में हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लाइट हेडेक का होना, ब्रेस्ट पेन का होना, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग का होना, या एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि पेट में मरोड़ इत्यादि का महसूस होने पर। यदि इस तरह के कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट इस दवा के उपयोग के बाद देखने को मिलें, तो इस संदर्भ में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और दवा का इस्तेमाल करना बंद करें। दोस्तों, यदि हम बात करें बॉडी में प्रीजेस्टेरोन लेवल को एक नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए, तो महिलाओं को अपनी आहार प्रणाली में विटामिन सी युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। डाइट में यदि विटामिन सी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में लिया जाए, तो यह प्रीजेस्टेरोन के लेवल को भी मेंटेन करते हैं, जैसे कि संतरा, ब्रोकली और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से यह प्रीजेस्टेरोन के लेवल को भी मेंटेन रखता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना प्रीजेस्टेरोन टैबलेट और कैप्सूल के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि पहली बार इस चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।